हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मेरा नाम है गुले जहरा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल गुल रिएक्ट्स। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपना रिएक्शन ऑन लाल सिंह चड्ढा मूवी इंट्रो सीन। सो गाइज लाल सिंह चड्ढा मूवी जो के आने से पहले ही काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार हो गई थी और उसकी वजह ये थी कि आमिर खान सर ने एक स्टेटमेंट पास कर दिया था कि जो चाहे इस मूवी को देखे, जो नहीं देखना चाहता वो ना देखे। और इस स्टेटमेंट के बाद तो बवाल ही मच गया था कि लोगों ने इस मूवी को बॉयकॉट करने का फैसला कर दिया। सो मैंने भी अभी तक ये मूवी नहीं देखी है और मैं भी देखना चाहूंगी कि आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है कि इस मूवी को इतना ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज किया गया। पर्सनली मैं तो आमिर खान सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, स्पेशली थ्री इडियट्स और पीके मेरी फेवरेट मूवीज हैं। सो लाल सिंह चड्ढा मूवी मेरी फेवरेट लिस्ट में आने वाली है या नहीं, इसके लिए अभी हमें जल के देखना होगा लाल सिंह चड्ढा मूवी का इंट्रो सीन। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप इनटू द इंट्रो सीन एंड स्टार्ट वॉचिंग इट। सो गाइस ये कर दिया है मैंने लाल सिंह चड्ढा मूवी का इंट्रो सीन प्ले। क्या सोच के खुद ही खुद हंसे जा रहे आंटी समझ रही है पागल है खुद ही खुद बैठे बैठे हंस रहे। बॉक्स में क्या है? मिठाई, इतनी सारी मिठाई, लड्डू भी हो सकते हैं। गोलगप्पे बॉक्स में वाह यार क्या आइडिया है इंस्टेंट गोल गप्पे खाने का, जबरदस्त ये हैक तो बाकी ट्राई करना बनता है। मतलब ट्रेन में कभी भी बैठ के आप गोल गप्पे खा सकते, इस तरह बॉक्स में अगर लेता है। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोल गप्पे जैसी होती है, पेट पले ही पर जावे मन नहीं पड़ता सासरकाल जी आंटी को कोई इंटरेस्ट नहीं। लाल सिंह चड्ढा ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਫ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਬਾਤ ਤਾਂ ਹੈ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਾਤ ਮੈਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ गल है कि मैनू यही पसंद है
मैंने यही पसंद है। क्यूट यार। मैंने लाइफ में बहुत सारे जूते पहने हैं, लेकिन मेरे पहले जूते मैंने आज भी याद हैं। मम्मी कहती थी जादू दे जूते हैं वो। जादू दे जूते। फिलहाल रेडी? ये जादू दे जूते हैं लाल। लाल चल के देखो। लीजिए, पूरी हो गया आपकी जिद। मैं अभी भी कहता हूं इसके पैर बिल्कुल अच्छे हैं, बस इसके दिमाग में शैतान है। मेरा नाम पहले लाल नहीं था जी, वो था मेरे नाना जी का नाम था। जिस साल मैं पैदा हुआ ना जी, उस साल नाना जी जंग लड़ने चले गए पाकिस्तान, ते वो वापस ही नहीं आए। मेरे पर नाना वो वर्ल्ड वॉर नंबर टू दी जंग से नहीं लौटे। और जो मेरे पर नाना वो वर्ल्ड वॉर नंबर वन से नहीं लौटे जी। अब पूरी फैमिली जो है वो आर्म फोर्स में सर्व कर चुकी है। उना तिन्ना दा नाम लाल था जी, मम्मी नू उन तिन्नों पर बड़ा गर्व था जी। इतना बड़ा बच्चा। मेरा नाम भी लाल रखा था। लाल बहुत सोने लग रहे लाल। हेलो बहन जी, गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, आधी कीमत में मिल रही है ये दवाई। पिछले साल भक्के पाजी ने ये दवाई अपने खेतों में डाली थी। गल सुन लाल, ऐसा कोई काम नहीं है जो तू खुद नहीं कर सकता। तेनू किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जे वाहेगुरु ने सबनों एक जैसा बनाना होता तो फिर इतने सारे अलग अलग बंदे बनाता क्यों? वो बच्चा बहुत प्यारा है। ये ढंग से समझाती थी जी। बहुत स्मार्ट थी मेरी मम्मी। पूरी खेती खुद संभालती थी। मम्मी आप सबकी स्मार्ट होती है वाकई। करौली में रहते थे, पठानकोट से 10 किलोमीटर दूर। जिस कार में हम रहते थे वो मेरी मम्मी दी फैमिली दा सी। वो मेरे नाना ते पर नाना ते पर नाना। ना व्यू कितना जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। सो गाइज, ये था लाल सिंह चड्ढा का इंट्रो सीन, और बहुत जबरदस्त इंट्रो हुआ। जिस तरह हमने देखा कि ट्रेन में जब स्टार्ट में लाल सिंह चड्ढा जो खुद ही अपने किसी जोन में थे, उतनी के सोच में थे, हम हंस रहे थे, तो उस वक्त वाकई ऐसा लग रहा था कि लिटरली वो कुछ जहनी मरीज हैं। लेकिन आगे जाके पता लग रहा है कि वो जो है वो बहुत ही उनका एक बचपना है, एक अंदर बिल्कुल एक बच्चे हैं अंदर से। और जिस तरह वो गोल गप्पे डिब्बे से निकले, लिटरली मैं तो शॉक हो गई देख के। मुझे लग रहा था कि मिठाई का डिब्बा होगा या उसमें लड्डू हो सकते हैं, जो आज तक हम मतलब एक नॉर्मल बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि मिठाई या लड्डू के डिब्बे में से गोल गप्पे निकल रहे हैं। मतलब जबरदस्त आइडिया है ये कि आप कभी भी कहीं भी बैठ के इंस्टेंटली गोल गप्पे इंजॉय कर सकते हैं, साथ में आप अपने गोल गप्पे का पानी रख के। और उसके बाद जो वो जूते वाली बात की, वो वाकई 100% जो है वो सही है कि अगर किसी को जाना है किसी की पर्सनैलिटी के बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके जूते जरूर देखेगा। और उसके बाद इस तरह मोना सिंह जो लाल सिंह की माँ है, उनकी एंट्री हुई है और दिखाया है कि हर माँ की तरह मोना सिंह भी अपने बेटे को किसी से कम नहीं समझती। और वो
शायद लाल को जो है वो चलने में प्रॉब्लम है, तभी जो है उनको जादुई जूते जो है वो पहनाए गए हैं। और उनकी माँ ये समझा रही है कि ये बात हमेशा याद रखना कि तुम किसी से कम नहीं हो। सो अभी तक ये इंट्रो था, और इंट्रो देख के तो काफी मुझे तो बहुत मजा आया। एक मतलब एक हैपनिंग सी फीलिंग थी, तो बहुत लाइटर मूड पे इंट्रो स्टार मतलब इंट्रो था मूवी का, और मजा आ रहा था। कॉमेडी भी है साथ में, इमोशंस भी हैं। सो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेकंड पार्ट के लिए आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सो अब तक आप लोग को लाल सिंह चड्ढा का इंट्रो कैसा लगा मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करना नहीं भूलेगा। मैंने तो बहुत ज्यादा इंजॉय किया, मुझे बहुत मजा आया, और मैं फौरन ही दिल चाह रहा है कि इसका मूवी का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट जल्दी से देख लूं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं वेट करूंगी और ये मूवी आप लोगों के साथ ही देखूंगी। सो गाइस मिलूंगी अब आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाल सिंह चड्ढा के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, और मुझे भी अपनी ढेरों दुआ में याद रखेगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाइए, यहीं पर एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है लाल कलर का ही, जिस तरह की आज लाल कलर की हुडी है। तो लाल सिंह चड्ढा के साथ साथ लाल हुडी के साथ साथ जल्दी से लाल सब्सक्राइब के बटन को भी हिट कर दे। और वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कीजिएगा। सो गाइज विल सी यू गाइज लेटर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।